very much comfortable to work with Sanjay Dutt, like first time in a Sai BB Gangster 3. It's very much comfortable for you. कंफर्टेबल तो बहुत छोटी बात है. आई थिंक मिस्टर संजय दत्त के बारे में जितना मतलब हम सुनते हैं और ही इज़ लार्जर देन लाइफ, एक जो उनका पर्सोना है, पर उनके साथ काम करके इतना कंफर्टेबल लगा, इट फेल्ट लाइक होम लिटरली. वो इतने सिंपल एंड इतने हाउ डू यू से बहुत ही मॉडेस्ट एंड हम्बल हैं. ग्रेट ह्यूमन बींग, यू नो, टू बी विद. इतना केयरिंग एंड जेन्युइनली केयरिंग. यानी कि ऐसे मतलब दिखाने के लिए या पोलाइटली कुछ कर दिया थोड़ा बहुत. ही जेन्युइनली केयर्स फॉर पीपल दैट ही वर्क्स विद, यू नो. ही सच अ गुड पर्सन, सच अ गुड मैन. या थोड़ा सा बीच में हुआ था, यस, लिटिल बिट ऑफ खींचातानी हो रही थी. लेकिन मेरे पार्टनर हैं दीपक सिंह, बिजनेस पार्टनर, एंड सोनी पिक्चर्स हैव बीन ऑन बोर्ड विद अस फ्रॉम डे वन. तो मतलब बहुत बहुत बड़ा एक थैंक यू टू सोनी फिल्म्स कि दे केम ऑन बोर्ड एंड दे हैंडल्ड एवरीथिंग सो ब्यूटीफुली. या जैसे आपने कहा कि संजय दत्त इज लाइक ब्यूटीफुल पर्सन, संजय तो देखी होगी आपने? नहीं देखी अभी. पर वो आई मीन वो ही बात कर रहे थे. मिस्टर संजय दत्त वाज सेइंग दैट बहुत अच्छी फिल्म बनाई है एंड ही वाज प्रेजिंग रणबीर. सो वी ऑल नो हाउ अमेजिंग ही इज. ही इज अमेजिंग. आई हैव टू से दैट. थोड़ी सी बिगनिंग में मुश्किल थोड़ा हुआ था क्योंकि एक तो उस समय बायोपिक्स काफ़ी बन रही थी. तो एक वही होता है कि एक और बायोपिक, एक और स्पोर्ट्स के ऊपर, वो भी हॉकी के ऊपर. अच्छा, हम संदीप सिंह को तो कोई जानता नहीं है. तो वो थोड़े से क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई थी इन द एंड. पहली बार आई वॉज प्रोड्यूसिंग तो थोड़ा वो होता है कि अच्छा आप तो एक्ट्रेस हैं अब आप. सो दे बट दैट्स ओके. आई थिंक कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना होता है अपने आप को एंड इफ द स्टोरी इज गुड इनफ देन यू नो